अवैध रूप से संचालित अस्पतालों, क्लिनिकों और झोला छापों पर स्वास्थ्य विभाग लखीमपुर द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को जहां सीएमओ अरुणेंद्र कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने 7 अस्पताल सीज किए, वहीं अगर बीते 3 दिनों की बात की जाए तो सीएमओ द्वारा करीब 15 अस्पताल सीज किए गए हैं। इस बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएं, उससे पहले हम चाहते हैं अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, जनहित में हमारी खबरों को शेयर करें। लखीमपुर खीरी से जुड़ी बड़ी खबर, बिना रजिस्टर्ड अवैध रूप से संचालित 7 अस्पतालों को सीएम अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा गुरुवार को सीज कर दिया गया। इस दौरान उनके 7 डिप्टी जो ACMO थे डॉक्टर अश्विनी कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर धनीराम भार्गव सहित 6 सदस्य टीम मौजूद थी। अवैध रूप से संचालित अस्पतालों को शासन और प्रशासन के निर्देश के क्रम में सीज करने की कार्रवाई लगातार जारी है। तीसरे दिन गुरुवार को 7 अवैध संचालित अस्पतालों को सीज कर दिया गया है। इनमें रामापुर क्षेत्र का हिंद हॉस्पिटल, कल्याण हॉस्पिटल, न्यू बालाजी चिकित्सालय शामिल है। वहीं गांव जुलाहनपुरवा स्थित आयुष मेडिकल अस्पताल और लालपुर बैरगेर स्थित शुभ आशीर्वाद हॉस्पिटल, आशीर्वाद हॉस्पिटल और जावित्री हॉस्पिटल को टीम द्वारा सील कर दिया गया है। इन सभी जगहों पर मरीज भर्ती थे, उनका इलाज किया जा रहा था, जिन्हें जो गंभीर मरीज थे उन्हें स्वास्थ्य विभाग की 108 व 102 एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए ओएल स्थित जिलापुर चिकित्सालय भेजा गया है, वहां उनके भर्ती कराया गया है। इससे पहले महवागंज स्थित 4 अस्पतालों सहित बिजुआ का 1 अस्पताल, संपूर्ण नगर के 3 अस्पताल सीज किए गए। बीते 3 दिनों में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जो कार्रवाई है उससे अवैध रूप से संचालित जो अस्पताल हैं उनको चलाने वाले जो संचालक उनमें खौफ है। और 3 दिनों में अवैध रूप से संचालित बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 15 अस्पतालों को सीज करके लखीमपुर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसी खबरों पाने के लिए हमारे चैनल बने रहे, हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, जनहित में हमारी खबरों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।